नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी द्वारा तहसीलवार राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि संबंधी वादों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करना सुनिश्चित कराया जाए। किसी भी राजस्व न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व वाद शेष नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर से जारी होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों को जारी करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। सभी उपजिलाधिकारी व तहसीलदार अपने अपने क्षेत्रों में गुड प्रैक्टिसेस को अमल में लाएं तथा आम लोगों को शिकायतों को गंभीरता से सुनें तथा गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण करें। राजस्व संबंधी समस्त कार्य शासन की मंशा के अनुरूप ही किए जाएं। उन्होंने कहा कि धारा 24, धारा 116, धारा 80, अविवादित विरासत व दाखिल खारिज आदि के बाद शिकायतों को समय सीमा के अंतर्गत निस्तारित करें तथा जमीन का आवंटन पात्र व्यक्ति का चिन्हांकन करने के उपरांत ही करें। विभाग में लंबित IGRS मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों को निस्तारण असा समय व गुणवत्तापूर्ण किया जाए ताकि एक ही समस्या को लेकर लोगों को बार बार शिकायत न करना पड़े। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देश दिए कि ग्राम सभा में चकमार्ग व सार्वजनिक उपयोग की भूमि से अतिक्रमण हटवाएं तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम संपत्ति रजिस्टर बनवाकर उसे नियमित रूप से अपडेट करें। ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई हेतु जनपद व तहसील स्तर पर गठित एंटी भू माफिया टास्क फोर्स के जरिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थियों को बिना किसी विलंब के निर्धारित सहायता धनराशि उपलब्ध कराई जाए। धारा 34 भूमि विवाद व पैमाइश के वादों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंदर सुनिश्चित कराया जाए। बैठक में ऊपर जिलाधिकारी सुशील कुमार गौंड नगर, मजिस्ट्रेट राजीव राज, जिला पूर्ति अधिकारी राज बहादुर सिंह, विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी परमेश श्रीवास्तव सहित समस्त उप जिलाधिकारी गढ़, तहसीलदार, समस्त प्रशासनिक अधिकारी व अन्य पटल सहायक आदि मौजूद रहे। रिपोर्ट RPS समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।